माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9 का आज हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट क्यू रूट 2 से क्यू रूट 2 के बीच में कितनी ऑटोमॉर्फिज्म पॉसिबल होंगी। ठीक है, दिस इज द आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। जैसा कि आपको पता है कि क्यू रूट 2 इज एन एक्सटेंशन ऑफ क्यू, ये भी एक्सटेंशन ऑफ क्यू है, एक बात। दूसरी बात, ये एक प्राइम फील्ड है। ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन में मदद करेंगी। मदद क्या करेंगी? मैंने आपको कुछ लॉज बताए थे कि यदि कोई एक्सटेंशन के की, एक एक्सटेंशन के की है ई डैश, यदि इसके बीच में कोई भी मैपिंग जो कि होमोमॉर्फिज्म, और यदि के क्या हो प्राइम फील्ड, तो ये मैपिंग अपने आप को के होमोमॉर्फिज्म में बदल लेगी। फिर सुन लीजिए, तो इसी प्रकार ये जो हम ऑटोमॉर्फिज्म कह रहे हैं, ये हमें पहली बात है कि ये हमारे लिए क्यू होमोमॉर्फिज्म का काम करेगी। क्यू होमोमॉर्फिज्म का मतलब है इस ऑटोमॉर्फिज्म में क्यू का एलिमेंट तो फिक्स रहेगा, क्यू का एलिमेंट फिक्स रहेगा। ओके, यानी कि एफ ऑफ अल्फा अल्फा रहेगा यदि अल्फा कहां से है, क्यू से। ओके, अब ये बताओ एफ ऑफ टू का क्या रहेगा? एफ ऑफ टू भी टू आएगा भाई, कि टू इज द वन ऑफ द रैशनल। इस टू को आप लिख क्या सकते हो, रूट टू का स्केयर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ये रूट स्केयर बार आ जाएगा, ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है। व्हाट वी गेट हियर, एफ ऑफ रूट टू का उत्तर क्या आएगा जी, प्लस माइनस रूट टू आएगा। इसका मतलब इसके लिए यही दो पॉसिबिलिटी है। तो इस प्रकार यदि मैं एक एलिमेंट लेता हूं ए प्लस बी रूट टू, उसके ऊपर कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म लगाता हूं तो वो बनेगी जी सिग्मा बना लो, इसको एफ लिख लो। तो एफ ऑफ ए, एफ बी और एफ रूट टू, इसका आंसर तो ए आएगा, इसका बी और इसका प्लस माइनस रूट टू। तो इस प्रकार के एलिमेंट के लिए हमारे पास केवल दो ही चॉइस है, तो इसकी केवल दो ऑटोमॉर्फिज्म होंगी। एक दूसरी बात भी यहां पर की जा सकती है, ठीक है, रूट टू इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, मिनिमल पॉलिनोमियल, और इसके दो ही रूट है। हमने बताया था यदि कोई अल्फा इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है तो एफ ऑफ अल्फा भी इसका रूट होना चाहिए। इसी प्रॉपर्टी की श्रेणी में ये जो हम चल रहे हैं के ऑटोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी की श्रेणी में, हमने बताया था आपको कल, ठीक है ना, उसका भी हम यूज कर सकते हैं कि अल्फा यदि इस पॉलिनोमियल का रूट है तो एफ अल्फा भी इसी का रूट होगा। इसका मतलब ये जो यदि अल्फा रूट टू है तो इसके पास तो ये केवल दो ये रूट है, तो इसकी पॉसिबिलिटी केवल ये बनती है, या तो इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, उससे भी यही दो रूट बन के आएंगे। अब यदि क्वेश्चन हमारा जनरल हो जाता, जनरल मतलब यहां पर ए हो जाता, यहां पर ए हो जाता, परंतु उसके साथ कैफियत क्या होती, ए इज नॉट स्केयर ऑफ एन इंटीजर, तो टू के स्थान पर आप ए चेंज कर दीजिए, वहां भी आपकी दो ही ऑटोमॉर्फिज्म आएंगे। बट यदि क्वेश्चन ये हो जाता, इसके बीच में कितनी ऑटोमॉर्फिज्म होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये भी एक्सटेंशन है क्यों की, क्यों ये जो प्राइम फील्ड, वो सारी बातें जो पिछले क्वेश्चन में थी सारी, इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा अल्फा में जाएगा, अल्फा बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, अब समस्या क्या है, जैसे वहां पर आपने कहा था, मैं इसे बताता हूं, इफ अल्फा इज, यदि अल्फा, जिसको मैं ये लेता हूं, तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल ये बनेगी। हमने ये बताया था कि जो एफ ऑफ अल्फा होगा वो भी इसका रूट होना चाहिए, यस रूट होना चाहिए, होगा उस उसमें ये ट्रांसफर हो सकता है बस। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी बताई, अल्फा इसका रूट है और ये ई और ये ई डैश जो कि एक प्राइम फील्ड से एक्सटेंड हुई है, तो ये क्या बन जाएगी, मैंने बताई ये होमोमार्फिज्म अपने आप को के ऑटोमार्फिज्म बना, के आइसोमार्फिज्म बना लेगी, और ये के आइसोमार्फिज्म हमें ये श्योरिटी देता है कि होमोमार्फिज्म कि यदि वो रूट अल्फा रूट एफ एक्स का है तो एफ ऑफ अल्फा भी रूट होगा, यानी ये एफ अल्फा भी उसका रूट होगा। तो ये एफ अल्फा कहां जा सकता है, ये एफ अल्फा इसके रूट्स में जा सकता है, इसका रूट होगा जी एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, बट ये दो रूट तो इस सेट में पाए नहीं जाते, मैप कैसे होंगे, नहीं हो सकते, इसका मतलब हमारे पास इसके लिए केवल एक पॉसिबिलिटी है और वो है ये। इट मींस इस अल्फा के लिए और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यानी कि इस जो फील्ड में एलिमेंट होंगे वो ऐसे होंगे, वैसे आपको बता दूं मैं, वे कहां मैप होंगे, ये एलिमेंट ए में मैप होगा, ये बी में मैप होगा, ये इसी में मैप होना है सी, क्योंकि रैशनल इसी में मैप होगा, ये अल्फा इसी में जाता है, इसका स्केयर भी इसी में जाएगा, तो ओनली वन ऑटो मार्फिज्म इज पॉसिबल। ये ऑटो मार्फिज्म कैसे निकल रही है, ये थर्ड और फोर्थ यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यूनिट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली ये बाद में दोबारा फिर थर्ड या फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। अब आपके लिए होमवर्क है कि इसकी कितनी ऑटोमॉर्फिज्म होगी, इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे आपके साथ, आप इसको सोच के रखना ताकि हम इसके आंसर को आपको प्रोवाइड कर सकें। अब हम टावर रूल की बात करते हैं। टावर रूल की थ्योरम हमने आपको ऑलरेडी करा दी है, आज हम आगे चलेंगे उसके कुछ फंडामेंटल्स, उसके कुछ यूजेज की बात करें। टावर रूल क्या था ये सुन लीजिए दोबारा से, के स्केयर के इज एक्सटेंशन ऑफ एफ और उसकी डिग्री है एन, एल इज एक्सटेंशन ऑफ के और जिसकी डिग्री है एन, तो यहां पर एल एफ एल इज एक्सटेंशन ऑफ एफ बनेगी और जिसकी डिग्री बनेगी जी एम एन। हम इसकी कुछ एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, मेन टारगेट इसकी एप्लीकेशन है, कुछ पोर्शन इसका नोट्स में नहीं है तो उसको समझ लेना। रिमार्क्स नंबर एक, यदि मैं कह दूं कि ई इज माई एक्सटेंशन ऑफ एल और इस एक्सटेंशन की डायमेंशन वन है, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सादा मतलब है इफ एंड ओनली इफ ई इक्वल टू एल। अब हम दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ई इज एन एक्सटेंशन ऑफ के और इसकी डिग्री पी है, वेयर पी इज प्राइम, पी इज प्राइम, शो दैट फॉर
फॉर एनी एक्स ऑफ ई ई माइनस के, कोई भी एक्स इन ई माइनस के क्या हो जाएगा यहां से, के एक्स से जो एक्स बनेगा दैट इज इक्वल टू ई, ये पी शुड बी प्राइम। इसका मतलब क्या है, इस प्रूव करने का मतलब है कि ई इज ए सिंपल एक्सटेंशन, मीनिंग तो इसका ये है सिंपल एक्सटेंशन। तो हमने कोई भी एक्स ले लिया जो ई माइनस के से है, एनी एलिमेंट फ्रॉम ई माइनस के, इससे क्या होगा भाई, व्हाट हैपन हियर, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ई एक्स जो है ई में है, के पहले से सबसेट था ई का, इट मींस ये जो फील्ड बनेगी वो सबसेट ऑफ ई होगा, ये भी इसका मतलब एक्सटेंशन हो गई किसकी, के की, और ये भी एक्सटेंशन हो गई के की, ये एक्सटेंशन बड़ी है और ये एक्सटेंशन छोटी है, हम ये भी कह सकते हैं अब नाउ वर्ड से कि ये हमारे पास चीज हो गई, ओके। तो व्हाट इज दिस, तो जो इसकी एक्सटेंशन की डिग्री होगी ये डिग्री होगी, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ बेसिस कम होंगे क्योंकि दिस इज ए, ये इससे और एक्सटेंड हुई है, ए मान लीजिए इसको एक्सटेंड करके हम फिर ईल बनाते तो हमारे पास क्या बनता जी, ये बनता, ये हम नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है, टावर रूल कह रहा है। देखो यहां तक आप नहीं पहुंचे, इसका मतलब इसको एक्सटेंड करके आपको ई बनाना है, यानी कि ई इज एक्सटेंशन ऑफ दिस। अच्छा ये एक्सटेंशन इनफाइनाइट नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, ये फाइनाइट है, ये भी दोनों इनफाइनाइट नहीं हो सकती, ये दोनों भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती क्योंकि ये फाइनाइट है, इन दोनों की प्रोडक्ट को फाइनाइट, ये भी फाइनाइट एक्सटेंशन है, ये भी फाइनाइट एक्सटेंशन है, तभी ये फाइनाइट बनेगी। इसकी वैल्यू पी है, पी प्राइम है, इसका मतलब इनमें से किसी एक का आंसर वन है, इसका आंसर वन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये वो एक्सटेंशन है जब काकी आपका एक्स के पास, के एक्स वो जो है के के पास नहीं है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, वन, इसकी डिग्री वन होने का मतलब ये दोनों सेम है, बस यही हमारा क्वेश्चन था। अब दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी ने कह दिया कि E इज एन एक्सटेंशन ऑफ K और उसकी डिग्री है N, देन E कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडजंक्शन टू K ऑफ एट मोस्ट कि कितनी वैल्यू हम इसके साथ एडजेंट कर सकते हैं, एट मोस्ट अधिक से अधिक इतनी वैल्यू हम कर सकते हैं। अब देखिए ये रूल कैसे बनाता है, हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने वो x1 लिया, ये देखो हम ले रहे हैं, हम ज्वाइंट करना चाहते हैं x1 x2 xk ऑफ e 2k, किस तरीके से, x1 k में ना हो और x2 जो है k x1 में ना हो, x3 जो है इसके अंदर ना हो, लाइक मैंने को पहले इसके अंदर ये एलिमेंट डाल दिया, उसमें k2 नहीं है, ऐसे डालते डालते लास्ट बारी किसकी आई थी, xk की आई, xk इसमें ना हो, xk को डालने के बाद जो फील्ड बनी उसका नाम रख दिया हमने l,
अब यहां पर दो संभावनाएं, ये एल इस ई के इक्वल भी हो सकता है, दिस एल इज इक्वल टू ई एंड दिस एल इज नॉट इक्वल टू ई। यदि ये ई के इक्वल हो जाता है तो इसकी डिग्री होगी एन, और ये कैसे बनेगी, ये एक्सटेंशन कैसे आई, एल कहां से एक्सटेंड हो गया है, यहां से, और ये कहां से एक्सटेंड हो गया था, ये एन माइनस वन, और अल्टीमेटली के एक्स वन कहां से एक्सटेंड हो गया था, तो इसकी डिग्री कम से कम दो, यानी इसकी डिग्री दो या दो से ज्यादा होगी, इसकी भी दो या ज्यादा से ज्यादा होगी, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गई आपकी के टाइम। n is greater than equal to 2k, this implies that k is less than equal to log n by log 2। देखो ये एक इंटीजर है, तो k is less than equal to, हम इसको greater integer तक कर सकते हैं, but case 2, if l is still not equal to e, l अभी भी e तक नहीं पहुंचा है, कोई बात नहीं, इसका मतलब यदि हम l से e की एक्सटेंशन भी करते हैं तो उसकी डिग्री दो या दो से ज्यादा आएगी। तो अब ये जो चीज थी ना, ये a स्क्वायर लिख लो, ये जो चीज है ये l के बनती थी, इसकी डिग्री कितनी बनती थी 2k, इसका मतलब हम E से हमें कहां जाना है K, तो E से L और L से K, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी आएगी ये दो से बड़ा होगा, वो टू की पावर K से बड़ा होगा, तो टोटल मिला के टू की पावर K प्लस, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, K प्लस वन लेस देन इक्वल टू ये आ जाएगा। और फिर वही बात कि ये एक इंटीजर है, के इससे स्ट्रिक्टली छोटा होगा, तो यहां आएगा के इज स्ट्रिक्टली लेस देन दिस, ठीक है बच्चों। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि गैलियन की बुक से है, 21वें चैप्टर का 15वां क्वेश्चन, K is extension of F, K is extension of F, E1 and E2 are contained in K, E1 and E2 are contained in K, परंतु एक खासियत है कि E1 की F से extension भी prime है, prime degree है, और E2 की भी F से extension prime degree, फिर मैं बताऊं दोनों के दोनों किस में कंटेन करती हैं, तो या तो E1 इक्वल टू E2 होगा या E1 इंटरसेक्शन E2 F होगा, बहुत सिंपल सी बात है, जो F1 E1 भी फील्ड है, E2 भी फील्ड है, तो इनकी इंटरसेक्शन भी एक फील्ड होगी जो F को कंटेन करेगी बट खुद ईवन की सब फील्ड बनेगी। तो अब यहां पर बहुत सिंपल है कि यदि हम एफ से ईवन की एक्सटेंशन करते हैं तो वो बनेगी यहां से यहां और फिर यहां से यहां, बट नेचुरल बात है कि ये फाइनाइट है तो ये भी दोनों फाइनाइट होगी। अब जो इसकी डिग्री है वो इसकी डिग्री को डिवाइड करेगी, इसकी डिग्री तो प्राइम है, प्राइम मतलब पी मान लिया हमने, तो इसका मतलब या तो ये वन डिग्री की होगी या पी की होगी, यदि ये वन की होती है तो क्या होगा, वन डिग्री का साफ साफ मतलब था कि ये दोनों सेम,
ये दोनों सेम, इंटरसेक्शन एफ। केस नंबर दो, यदि हम ये कह देते हैं कि इसकी डिग्री पी है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी डिग्री वन है। इसका मतलब ये इंटरसेक्शन तो ई वन के इक्वल है। ये इंटरसेक्शन ई वन के इक्वल कब हो सकता है? जब ई वन इज सबसेट ऑफ ई टू। सिमिलरली वे पे जो मैंने किसके लिए किया है, हाँ जी किसके लिए किया मैंने, ये मैंने यहां पर लिया था ई वन। सिमिलरली आप ई टू ले लेते हो, ये केस तो दोनों में कॉमन होगा। यदि यहां पर ये इंटरसेक्शन वन डिग्री दे रहा है तो दूसरे केस में भी यही कॉमन आएगा। और दूसरे केस में जो पी वाला केस है, यहां पर वो दे रहा था ई वन इज सबसेट ऑफ ई टू, वहां दे दे ई टू इज सबसेट ऑफ ई वन। दोनों केसों से हमारा निर्णय हो जाएगा कि ई वन इक्वल टू ई टू। ठीक है बेटा, तो ये कुछ फंडामेंटल्स मैंने बताए आपको फाइनाइट एक्सटेंशन फील्ड के। अब हम अगले पॉइंट को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जो उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फील्ड थ्योरी। ओके, थैंक यू।